कल एक लड़का आया हुआ था, तुम लोग क्योंकि यंग हो तुम्हें बता दूं, वो लड़का आसपास पुरखास के पास से किसी गांव का था। उस लड़के ने बीएससी कर रखी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से, एमएससी कर रखी थी, सर ने बता दिया, परिमल सर ने, एमएससी में वो टॉपर था। मैंने ही सर को दिए थे उसके कागज क्योंकि मैं उसके साथ बैठी थी। उस लड़के की इतनी दीनहीन दशा थी, परसों आया था वो हमारे पास, या शायद कल आया था, कल आया था। उसने मुझे पता है क्या कहा, मैं इस क्लास के बाद बाहर गई थी तो उसने मुझे कहा कि मैम सर से मेरी मीटिंग जरूर करनी है मुझे आज। मैंने कहा भाई सर तो फ्री नहीं होंगे, हम 2:30 बजे तक तो क्लासेस में होते हैं और फिर सर को ट्यूशन पे जाना है, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं बड़े लेवल पे 6 से लेके 12 तक को। तो कहता है कि मैम चाहे शाम तक मुझे बैठा लो, मुझे 2 मिनट की सर से मीटिंग करनी है, अगर मैं आज चला गया ना तो कल मुझे दुकान खोलनी पड़ेगी चाय की। मतलब मुझे उस पर तरस आया उस लड़के पे कि कितना हाईली एजुकेटेड, एमएससी में जो फर्स्ट रैंक होल्डर था, जिसने बीएससी इतने बढ़िया कॉलेज से कर रखे जहां एडमिशन नहीं मिलता लोगों को, लाइन में लगे होते हैं इतने अच्छे अच्छे बच्चे, और ये सब करके फाइनली उसके हाथ में क्या, 3 बेटियां थी उसकी। कह रहा था 21 साल में शादी हो गई और 27 साल का अब है, 3 बेटियां, सोचो कितनी जिम्मेदारी, उम्र कितनी 27 साल। और अब फाइनल स्टेज क्या थी कि अगर कल मेरी मीटिंग नहीं हुई, मुझे जॉब नहीं मिली, तो कल मैं दुकान पे बैठ जाऊंगा चाय की पे। आप ये देखो कितनी दयनीय दशा है किसी इंसान की पढ़े लिखे की। मतलब मुझे तरस आया कि इतना पढ़ लिख के उसको चाय बनानी पड़ेगी, फिर क्या फायदा हुआ इतनी पढ़ाई लिखाई का। दिक्कत क्या थी, वो अपने घर में इकलौता पढ़ा लिखा था। वो मूवी है ना 3 इडियट्स, देखी हो तो, वो एक पोस्ट मैन का वो लड़का था, उसका एक डायलॉग था बड़ा अच्छा, जो जिंदगी में सच में समझने की चीज है कि जो गरीब परिवार में एक आधा पढ़ जाता है ना तो माँ आपको लगता है ये हमारी सारी गरीबी मिटा देगा। उस लड़के से वही एक्सपेक्टेशन थी 9 भाई बहनों की और माँ बाप की कि ये हमारी गरीबी मिटा देगा। उस पे धड़ल्ले से पैसा लगाया, पानी की तरह पैसा जाता है। तुम अगर पढ़े लिखे हो तुम्हें पता होगा बीएससी एमएससी ऐसे ही नहीं होती, रोज आवाजाही में बहुत रुपए खर्च होते हैं, कहीं रहोगे पढ़ोगे तो पैसा लगता है, फ्री में कुछ नहीं होता। और फाइनली क्या है, आज वो बेरोजगार, 3 बेटियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, और उसने ये कहा मुझे लिटरली कि मैम 20,000 तक की नौकरी अगर मुझे मिल जाए तो मेरे बच्चों की रोटी चल जाएगी। मतलब दया का भाव आया, ये नहीं कि बहुत काबिल है, ये कि इस बेचारे की हालत क्या है। उसको मैंने कहा तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है, तो उसने कहा कि नहीं पता। नहीं, उसने मुझे कहा कि हाँ शादी। मैंने कहा नहीं शादी तो कोई गलती नहीं होती, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी और तुमने बहुत ऊंची उड़ान भरने की कोशिश की। ऊंचे सपने देखना कभी गलत नहीं होता, पर हम आम लोग जो है ना, आम लोग उनके पैरों के नीचे अगर धरातल है ना तो ही वो ऊंची उड़ान ले सकते हैं। अब तुम्हें अगर जंप लगानी है तो तुम नीचे धरती पे प्रेशर लगा के अपनी बॉडी को आगे की तरफ फेंकते हो। उसके पास धरातल नहीं था उड़ान ऊंची भरने की कोशिश, तो अंधे मुंह तो गिरना ही गिरना था। किसी भी इंसान को सबसे पहली चीज देखनी चाहिए, मेरी असली स्टेज क्या है। अगर वैसे थोड़ी कड़वी जबान में कहूं तो अपनी फाइनेंशियल औकात देख के आदमी को स्टेप लेना चाहिए, और उसमें मैं भी शामिल हूं। मैं तुम्हें नहीं कह रही हूं, मेरे फादर इकलौते अर्निंग हैंड थे, हम 4 बहनें थी। ये हमें बचपन से दिखता था कि हमें पढ़ लिख के काबिल बनना पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा जुगाड़ नहीं है। हमारा ये नहीं है कि पिताजी पैसा लगा देंगे और हम कहीं चले जाएं कि हम कामयाब हो जाएं, नहीं, पढ़ना पड़ेगा। अपनी असलियत पहचानी, 12th क्लास में मेरे उस टाइम पर 82% मार्क्स थे, तब बहुत बड़ी बात होती थी, 82% में लोग पता नहीं कहां हवा में उड़ते थे। तब मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं DU ज्वाइन करूं या मैं DU जाऊं, मैं दिल्ली से ही थी। तब मैंने सोचा कि मैं कैसे क्या करूं कि मैं 2 साल में इंडिपेंडेंट बन जाऊं, और तब डाइट में एडमिशन हुआ करता था एंट्रेंस टेस्ट। 12वीं करते ही, जैसे ही 12वीं के एग्जाम खत्म हुए, अगले दिन NCERT उठाई थी 6 से 10 तक की, सारी गो थ्रू हो गई, मेन मेन चीजों को रजिस्टर में लिखा। सबसे पहले नोट्स थे वो मेरे जो मैंने नौकरी के लिए बनाए थे। तब मेरी एज महज 17.5 साल की थी, 17 साल और साढ़े भी नहीं थी पूरी, क्योंकि दिसंबर मेरा बर्थ ईयर था, 17 साल 4 महीने मेरी उम्र थी जब मैंने पहली बार नोट्स बनाए अपनी नौकरी के लिए। और उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर डाइट किया, डाइट करते करते समझ में आ गया कि नौकरी पहली प्रायोरिटी है, तुरंत से तैयारी की, नौकरी मिल गई। नौकरी के बाद मुझे ये था कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि अपने ऊपर क्षमता पे अपने पे होता है मैं कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद नौकरी करते करते मैंने बीएड का एंट्रेंस दिया इग्नू का 2007 में। ऑल ओवर इंडिया मेरा फर्स्ट रैंक आया, मुझे भी नहीं पता था कि फर्स्ट आएगा, और मुझे ये था कि पास हो जाएगा, पर मैं मेंटली फ्री थी क्योंकि मेरी कमाई आती थी। 2007 तक तो मेरी कमाई बहुत बढ़िया हो गई थी, तब तक पे कमीशन आ गया था 2006 का, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया, ऑल टाइम हाईएस्ट, तब तक वही था, मुझे आज का नहीं पता। 2007 तक इग्नू में 100 में से 84 नंबर का रिकॉर्ड था जो मेरे थे। उसके बाद अब 10-12 साल बीत गए, हो सकता है वो किसी ने ब्रेक भी कर दिया हो। उस टाइम पे मेरी बेटी 7 दिन की थी जब मैं उसको लेके इग्नू गई थी,
इग्नू में हेडक्वार्टर में, और जब बच्चा बहुत छोटा होता है इन्हीं दिनों उसका बर्थ था 7 नवंबर का, 14 नवंबर की मेरे ख्याल मेरी पता नहीं 12 की मेरी रिपोर्टिंग वगैरह थी, वहाँ कागजात चेक होते हैं, तो मैं अपना शॉल वॉल पूरा ढक के जैसे जाते हैं बच्चा होने के बाद, जैसे तुमने माँ को देखा भी होगा, तो वहाँ सबका एटीट्यूड पता है क्या था कि ये ऐसी कोई महिला आ गई है, वहाँ सब लोग बैठे हुए थे हॉल में। जब वहाँ बुलाया गया तो कहा गया फर्स्ट रैंक फर्स्ट नंबर पे बबीता त्यागी, जब मैं उठ के गई तो सबकी आंखों में ये होता ना कि अजूबा कि इसका फर्स्ट रैंक है, क्योंकि वो मुझसे मेरा जो भेष था उस टाइम वो ऐसा नहीं था ना कि भाई मैं फर्स्ट रैंक होल्डर हूँ, अब मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ ये उनको थोड़ी पता था। तो उन मैम ने मुझे पता है क्या कहा, वो काफी बड़ी अधिकारी थी, उन्होंने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू, तो मैंने बताया कि भाई मेरी बेटी है मेरे पास, तो उन्होंने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू, मतलब वो घटनाएं जो है ना लाइफ में वो आपको मोटिवेट करती हैं कि आप और आगे बढ़ें। 2003 से मैं नौकरी में थी, 2015 में जब ICS बहुत बढ़ गया तब फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं और अच्छा कर सकती हूँ नौकरी से बहुत बेहतर, तब मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया। 31 अक्टूबर 2015 को मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा, और अनएक्सपेक्टेड था वो मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे ये था नहीं, कोई प्लान्ड नहीं था नौकरी छोड़ना, कि भी प्लान करके नौकरी छोड़ी गई। और नवंबर में मैंने 1 नवंबर को मेरा रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था, 31 को शाम को ही दे आए थे हम। तो आप ये मानो कि जिंदगी जो है ना उसको आगे अगर बढ़ाना है तो पैर जमीन पर रखने पड़ेंगे। अगर मैं 2003 में सोचती कि नहीं मैं सीधे ICS नाम की संस्था खोल दूंगी और मेरी संस्था बहुत चलेगी, तो मैं कहीं औंधे मुंह गिरी होती। मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जो ये सोचते हैं, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपने देखने के साथ अपना एक बैकग्राउंड जो है ना हमारा फाइनेंशियल, हम कितने हैं कहाँ स्टैंड करते हैं ये पता होना बहुत जरूरी है। आज मैं कुछ भी चाहूं मैं कर सकती हूं, लेकिन आज से 20 साल पहले तो मैं ऐसी नहीं थी ना, तब तो मेरे पास भी जितना तुम्हारे पास है उतना ही था, हम भी दो ही कमरों के घर में रहते थे, मेरे पिताजी को बहुत अमीर आदमी नहीं थे, हाँ बस ये था एक सरकारी नौकरी थी तो हम मेंटली फ्री थे, हमारी स्कूलिंग बहुत अच्छी रही, मैं अच्छे स्कूलों में पढ़ी, देश के अलग अलग कोनों में पिताजी के साथ हमेशा रहे, तो वहां से एक अपब्रिंगिंग अच्छी मान सकते हैं। लेकिन मेरे साथ के बहुत लोग थे जो पीछे रह गए, जो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, कारण सही टाइम पे सही डिसीजन ना ले पाना। तो तुम जितने लोग बैठे हो ना जिंदगी के जिस पड़ाव में तुम अब हो, मैं तुमसे 15 साल पहले 20 साल पहले इस पड़ाव में थी, इसीलिए बता रही हूँ लाइफ मौके देती है, बस आपको समझ होनी चाहिए। अब जो ये कल लड़का आया था ये 27 साल का है, अगर इसने 18 साल के बाद JBT करके कहीं नौकरी ज्वाइन कर ली होती तो आज वो लड़का लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा होता। जो मेरे संगी साथी है ना लाख रुपए से ऊपर सैलरी है, मेरी बड़ी सिस्टर की 1,10,000 से ज्यादा सैलरी पड़ती है, मुझसे सिर्फ 1.5 साल भर बड़ी है वो। तो आप ये देखो वो लड़का ऊंची उड़ान, अच्छी बात थी UPSC कर जाता, कितने ही लोगों को मैं जानती हूँ जो हमारे साथ टीचिंग में थे छोड़ के चले गए नौकरियां कहीं कहीं अलग जगह, कोई बैंक PO में लग गया, कोई कहीं इसमें चला गया UPPCS में, लेकिन पहले अपने पैर जमा लिए। तुम सब लोगों की भी यही राय है मेरी तो, कि कम से कम अपने पैर जमा लो। रीजनिंग जो पढ़ाते हैं ना पवन सर, इनका बेटा है परिमल सर के छोटे भाई जो है, गवर्नमेंट जॉब में है वो भी, मेरी और उनकी ज्वाइनिंग 2 दिन के आगे पीछे थी, मेरी 5 अप्रैल की उनकी 7 अप्रैल की, वो भी कर रहे हैं जॉब। उनके बेटे के 94% थे 12th में, 12th के बाद अब हमारे पास इस स्टेज में आके तो ऐसा नहीं ना कि पैसे की कमी है या हम सोचें कि हम भाई बच्चे को ये ना कराएं पैसे लगते हैं, हम तो कुछ भी अब कराने लायक हैं विद गॉड्स ग्रेस। लेकिन हमने उसको पता है सबसे पहले क्या कहा कि पहली प्रायोरिटी अपने पैरों पे खड़ा हो, हमारे बलबूते मत सोच कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कुछ भी कर लूंगा, उसको सबसे पहले कहा अपने पैरों पे खड़ा हो, फिर जो तेरा मन करे ना पैसे कमा के वो करना। उसको JBT में एडमिशन दिलाया दिल्ली में, दिल्ली में मार्क्स के बेसिस पे मिलता है, उसका डाइट में हो गया दरियागंज में गवर्नमेंट में, मेरे ख्याल 1,000 रुपए फीस मुश्किल से गई होगी, 1,000-1,500, इससे ज्यादा की फीस नहीं है, मेरे टाइम 405 रुपए लगे थे, अब दुगनी हो गई होगी। आप ये देखो वो लड़का चाहता तो हम कुछ भी करा देते, कोई भी महंगा कोर्स कहीं विदेश भेज देते, कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, पैरों पे खड़ा हो जा, उसके बाद तेरा मन करे मुझे UPSC करना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे शेफ बनना है, कहता है मुझे इसमें इंटरेस्ट है होटल मैनेजमेंट में, तो कर लेना, पर पहले पैरों पे खड़ा हो जा। जिस दिन कमाई आ जाएगी ना, छोड़ के कमाई को, ये प्रूफ करके कि मैं कुछ हूँ, मेरी कोई काबिलियत है, फिर करते रहना होटल मैनेजमेंट। तो ये देखो जो समझदार है ना वो सबसे पहले अपनी जमीन पकड़ता है, जमीन से उछाल ली जाती है, हवा में नहीं उछला जाता, जो हवा में उछलते हैं फिर उनकी वो कल वाले लड़के का एग्जाम्पल है वैसी दुर्गत होती है। और मैंने बहुत करीब से ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत काबिल थे लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, घर और ये गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, उस लड़के को रोटी खिलाने के मांदे पड़े हुए हैं, अपनी 3 बेटियों को कहाँ पढ़ाएगा, आज के टाइम में कितनी महंगाई है सबको पता है ना, सरकारी स्कूल में पढ़ाने का टाइम थोड़ी है, अब तुम सोचो उसके कंधों पे कितनी जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी से दबके वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा।
अगर वो 10 साल पहले थोड़ी सी समझ के साथ कुछ छोटा कोर्स करके कहीं 25-30 हज़ार की नौकरी पकड़ लेता तो आज लाख रुपए पे पहुंच जाता। लेकिन ये समझाए कौन? और अभी भी तुम्हारे सामने बात कर रही हूं, आधे तो अभी भी हवा में होंगे। ये जो चीजें हैं ना, ये अकल तब आती है जब उम्र बीत जाती है। इसीलिए टाइम रहते अपनी चीजों को संभाल लेना। सबके लिए है मैसेज। मैं अपनी बेटी के साथ भी यही पहली कंडीशन रखूंगी कि पहले इंडिपेंडेंट बन, अपने आप को प्रूव कर, फिर आगे पूरी दुनिया में कुछ भी अचीव करो। जिसने एक चीज हासिल कर ली वो कुछ भी हासिल कर सकता है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है और ये आता है जब आपके अंदर काबिलियत पैदा हो जाती है। पैसा कमाते हैं इंडिया में, काबिलियत पैसे से होती है। आपकी बुद्धि के अंदर घुस के कोई नहीं देखता आप कितने बुद्धिमान हैं। आपकी काबिलियत आपका पैसा है, आपने कितना कुछ अचीव किया इससे पता चलता है। तो इसलिए खूब पढ़ा करो। अब 1-2 साल में तुम लग गए और रह गए तो रह गए, फिर बैठे रहोगे।